नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद छात्रा की गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना के बाद हत्यारोपी गाँव से फरार है। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने मामले की गहनता से जांच करने के साथ जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश थाना पुलिस को दिए हैं। नगला शीशम गांव में एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है और बस्ती के कप्तानगंज में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवक के करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। करंट लगने के बाद युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृत युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से पंडूल घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था। जब ट्रैक्टर वायरलेस चौराहे पर पहुंचा तो ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर सड़क की पटरी पर चला गया, जिसकी वजह से हाई टेंशन तार में करंट उतर गया और युवक की मौत हो गई। थाना कप्तानगंज अंतर्गत महाराजगंज कस्बे में एक मूर्ति रखी गई थी, जिसका विसर्जन वहाँ कप्तानगंज के पंडुल घाट पर होना था। शाम को 7:30 बजे जब मूर्ति विसर्जन की जो मूर्ति थी वो ट्राली पर रखी हुई जा रही थी, रास्ते में ज़्यादा किनारे लेने पर ट्राली में ऊपर जो एलटी लाइन जा रही थी उससे करंट उतर आया, जिसमें ट्राली पर मौजूद गोपाल अग्रहरी को करंट लग गया और वो नीचे गिर गए। इस पर उनके परिजन उनको लेकर के यहाँ जिला अस्पताल में आए, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज के अंदावा तिराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का विसर्जन हुआ। आपको बता दें कि नवरात्र की समाप्ति और विजयदशमी के पर्व की भीड़भाड़ और मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन सख्त दिखा। साथ ही सुबह से ही प्रशासन की देखरेख में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज रंजन कुमार खपटे के निर्देशन में SDRF, NDRF, जल पुलिस, रेपिड एक्शन पुलिस, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस बल तैनात रही। महाराजगंज जिले के नौनवा में एक कैसीनो कई दिनों से संचालित हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर नौनवा क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने सादी वर्दी में दबिश देकर 11 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 2000 नेपाली रुपए, 3600 भारतीय रुपए और 2 गट्टी ताश से जुए से संबंधित कई चीजें बरामद हुई। कल दिनांक 4 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों से कस्बा नौतनाव में रिलायंस चर्च के सामने जो गली है उसके पीछे जो खाली स्थान है वहाँ पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खेल वहाँ पे चल रहा था। इस सूचना के आधार पे हमारी टीमें सादे कपड़ों पे वहाँ पे गई तो वहाँ पे इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया गया, जहाँ हमारी टीमें द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे जो लोग जुआ खेल रहे हैं तो खिलाने थे उनको गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर में हो रही भारी बारिश के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जिसको लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही। आप बता दें कि पूरे बलरामपुर में लगभग 1322 पूजा पंडालों की स्थापना की गई थी, जिसके बाद सभी मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बलरामपुर में 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं महाराजगंज सराय क्षेत्र में गांव में पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी से खेत भी डूब गए हैं, जिसको लेकर किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। राप्ती मुख्य नहर और खरजहा नाले में ज्यादा पानी होने के कारण बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं अमेठी में तेज बारिश के बीच रावण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर अमेठी में बड़ा मेला लगता है। इस दौरान राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां लोग आए तो थे अहंकारी रावण को पुतले को धू कर जलते हुए देखने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आग लगती है रावण का पुतला सेल्फ डिफेंस में उन पर रॉकेट दागने लगेगा। पुतले से निकलकर भीड़ पर रॉकेट ऐसे छूटे कि पूछे ही मत। ऐसा लगा जिससे रावण गुस्से में हो और वो लोगों पर अग्नि बाण चला रहा हो। इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुतले से निकल रहे रॉकेट से बचने के लिए लोगों को इधर उधर भागते देखा जा सकता है।
संभल में दलित महिला पर गांव के कुछ दबंगों ने एसिड अटैक कर दिया। महिला का आरोप है कि वो पशुओं के लिए घास लेने जंगल गई थी। इसी दौरान महिला पर गांव के ही 6 लोगों ने तेजाब से हमला कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को प्राथमिक इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। साथ ही 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।